नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों। श्री शिवमाली ब्राह्मण समाज जोधपुर महानगर के चुनाव 7 अप्रैल को होंगे। संवैधानिक तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए 3 सदस्यों की चुनाव क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। चुनाव क्रियान्वयन समिति के मुख्य अधिकारी एडवोकेट प्रवीण दयाल दवे ने शनिवार को ही प्रेस वार्ता में बताया कि जोधपुर महानगर में निवास करने वाले समस्त शिवमाली ब्राह्मण समाज के व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, वे इस मतदान प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। चुनाव 7 अप्रैल को होंगे, जिसमें अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष सहित कुल 18 पदों के लिए मतदान होगा। सभी पदों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना अनिवार्य है। मतदान के लिए ब्रह्मापुरी, चांदपोल, महामंदिर, फतेह सागर, सरदारपुरा, कुड़ी, हाउसिंग बोर्ड में बूथ बनाए जाएंगे। इन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले मतदाता अपनी आईडी दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जोधपुर में अन्य जिलों से आकर बसे श्री शिवमाली ब्राह्मण समाज का व्यक्ति भी महानगर इकाई में मतदान में हिस्सा ले सकते हैं। चुनाव क्रियान्वयन समिति के उमेश शिवमाली ने बताया कि समाज के चुनाव में इस बार 70 वर्ष से ऊपर बुजुर्ग व बीमार मतदाताओं के लिए घर घर जाकर मतदान करवाया जाएगा। शिवमाली ब्राह्मण समाज जोधपुर के चुनाव 7 अप्रैल को होने जा रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्य के चुनाव। इसमें जोधपुर शहर में रहने वाले सभी बाशिंदे जो 18 साल से ऊपर के हैं भाग ले सकेंगे। चुनाव में हमने एक और व्यवस्था की है, यदि कोई वृद्ध है, बीमार है, असहाय है, 31 मार्च से पहले अगर वो फॉर्म फिल करके अपने अध्यक्ष इकाई को दे देते हैं तो 6 तारीख को यानी कि 7 तारीख से पहले हम उनके मतदान की व्यवस्था एक दिन पूर्व उनके घर पे जाके करेंगे। उसके लिए हमने अलग अलग टीमें बनाने का फैसला किया है, जो 31 के बाद जब कितने फॉर्म आएंगे, कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से नई नई टीमें बनाई जाएंगी और वो अपने अपने क्षेत्रों में जाके मतदान करेंगे। दिनांक 24 तारीख को सूचियों का प्रकाशन हो जाएगा, उसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 30 और 31 को जो है वो नॉमिनेशन आप प्राप्त कर सकेंगे, एक को जमा करवा सकेंगे और एक ही को हम है जो जांच करेंगे और सूची का प्रकाशन। 6 तारीख को वृद्ध और बीमार लोगों के वोट करवाने की व्यवस्था होगी। अगर जरूरत होती है तो 7 तारीख को चुनाव चुनाव का समय है वो 8:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक रहेगा। जो मतदाता प्रांगण में होंगे उनके मतदान करवाए जाएंगे, उसमें समय आगे पीछे हो पाएगा। उसके तुरंत 1 घंटे बाद मतगणना प्रारंभ हो जाएगी और फिर रात को कुल कितने बूथ हैं, कितने बूथ बनाए गए? कुल 6 जगह बूथ बनाए गए हैं और तकरीबन 30 से 35 हज़ार बूथ। कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 3 साल के लिए चुना जाता है। 3 साल पहले 21 में चुनाव हुए थे, वापस 24।